अब मुकुल गुप्ता जी, प्रशासनिक अधिकारी। मुकुल जी इस मंच तक आएंगे निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्तित्व को, इस व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ लिखा है उससे अलग हटकर भी बहुत सारी बातें हैं। अपने माता पिता को जो बच्चे घर से निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं, ऐसे बच्चों को सजा का प्रावधान दिलवाने वाले मुकुल गुप्ता जी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भोपाल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में आप ग्वालियर नगर निगम में कार्यरत हैं एडिशनल कमिश्नर के रूप में। मुकुल गुप्ता जी भले ही दिव्यांग हैं लेकिन उन्होंने उस समाज को सांगोपांग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो समाज मानसिक तौर पर दिव्यांग है। ग्वालियर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर मुकुल गुप्ता जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीकॉम किया। प्रशासनिक सेवा में आने पर आपकी पहली पोस्टिंग नायब तहसीलदार के रूप में बालाघाट में हुई। आपने ग्वालियर, भिंड, शाजापुर, दतिया, सेवड़ा और भोपाल में तहसीलदार के रूप में काम किया, अलग छाप छोड़ी। भोपाल में एसडीएम के रूप में आप खासे चर्चित रहे। तमाम बुजुर्गों को उनके बच्चों से मिलवाया या फिर बुजुर्ग माता पिताओं को उनके बच्चों से उनका हक दिलवाने के लिए आपने सदा सार्थक कोशिश की और उसमें सफलता भी मिली। आपके प्रशंसक भोपाल के बुजुर्ग नहीं, सभी जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रशंसक पैदा करते हैं। आपने उन्हें अपने अधिकार दिलाने का अभियान आरंभ किया। गृह संपदा के संपदा संचालनालय में अलॉटमेंट ऑफिसर रहे और मकानों के अलॉटमेंट में फर्जीवाड़े का आपने खुलासा भी किया। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित कर आज दखल न्यूज़ परिवार बहुत अपने आप को उत्कृष्ट शिखर पर पाता है। मैं दखल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस सम्मान के लिए लायक समझा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 25 साल की जो सेवा है उसमें बहुत सारे विभिन्न आयामों में मैंने काम किया, लेकिन 3 साल एसडीएम के रूप में जो मुझे भरण पोषण अधिनियम के रूप में काम करने का मौका मिला वो निश्चित रूप से अद्भुत था। ऐसे कई लोगों की समस्या का निराकरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो मैंने भरसक रूप से किया। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मानिए। हेलो, अरुण शोर सिंहदेव जी शायद चले गए। दखल न्यूज़ का ये बड़ा अच्छा प्रयास है, कुछ जो समाज में या विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करें और निश्चित रूप से इससे प्रोत्साहन मिलता है अच्छे काम करने के लिए और उनको पुरस्कृत करना ही करना चाहिए। उसमें दखल परिवार ने जो शुरुआत की है लगातार ये दूसरा वर्ष है इसके लिए, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, साधुवाद देता हूँ।